रिमेक किसे कहते हैं, इसको कहते हैं रिमेक करना, समझे ना, ऐसा होना चाहिए रिमेक। क्या रिमेक किया यार, मार परफॉर्मेंस ऋतिक रोशन, सैफ अली खान का स्वाग अलग, लेकिन ऋतिक रोशन पूरी कोई नेगेटिव बोलेगा तो मैं उसको यार चमाट मारूं, अगर मेरा बस चले तो। नेगेटिव बोल ही नहीं सकते हैं, कोई एंगल से नेगेटिव नहीं बोल सकते इस ट्रेलर को, पूरा पॉजिटिव ट्रेलर। बहुत हो गए रे डिजास्टर और फ्लॉप का खेल, आ गया है ब्लॉकबस्टर। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है, मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। जी हाँ दोस्तों, आ गया है विक्रम वेदा का ट्रेलर जो, जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि कैसी है ये ट्रेलर दोस्तों। ऋतिक रोशन, सैफ अली खान एंड राधिका आप्टे। दोस्तों विक्रम वेदा जो कि तमिल मूवी का रीमेक ही है ये, लेकिन दोस्तों इसको रीमेक नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रीमेक से भी ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मानता हूँ कि ये मूवी रीमेक है, इन्होंने रीमेक ही किया है, लेकिन दोस्तों देखो ट्रेलर तब समझ में आएगा कि रीमेक किसे कहते हैं, इसको कहते हैं रीमेक करना, समझे ना, ऐसा होना चाहिए रीमेक। क्या रीमेक किया यार, सुपर्ब। अभी मूवी नहीं देखा, सिर्फ ट्रेलर देख के ही बोलूंगा, सिटी मार परफॉर्मेंस ऋतिक रोशन, सैफ अली खान का स्वाग अलग, लेकिन ऋतिक रोशन पूरी ट्रेलर खा गया। बंदे ने जो परफॉर्मेंस दिया, उनका एक्शन सीन्स, उनका डायलॉग देखो जाके भाई, बोलोगे कि इसको कहते रीमेक। क्या ट्रेलर कट किया यार, सुपर ट्रेलर कट किया इन्होंने यार। ऋतिक रोशन का वो डायलॉग, वो स्वाग, वो एक्शन सीन्स, वो गन चलाने का तरीका टोटली धमाल दिख रहा है, मतलब कि आपकी नज़र नहीं हटेगी स्क्रीन से, मोबाइल के स्क्रीन से, बड़े वाला स्क्रीन पे नहीं भाई, मोबाइल वाले स्क्रीन से आपकी नज़र हटेगी ही नहीं, ऋतिक रोशन के देखते ही रह जाएंगे। और ये ट्रेलर एक बार नहीं, 5-10 बार भी देखोगे ना तो मज़ा ही मज़ा आने वाला है, इतना फंटास्टिक ट्रेलर निकाला यार। क्या ट्रेलर है भाई, अभी बोलोगे आप यार यार कुछ ज़्यादा ही तारीफ करो। देखो दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये तारीफ बनता है इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेलर ही कट किया इतना धमाकेदार यार। ऋतिक रोशन है भाई, एरू गेरू स्टार नहीं है, ऋतिक रोशन है। इनका परफॉर्मेंस देखो, वॉर मूवी लास्ट आई थी उनकी बड़ी स्क्रीन पर, 300 करोड़ कलम में एंट्री हुई थी। उसके बाद अफ्टर 4 साल तो हो ही गए, उसके बाद आ रही है विक्रम वेदा। मानता हूँ रीमेक है, कुछ चुतिया बोलेंगे कि रीमेक है ये, क्या घंटा उखाड़ेगी, तो आपको बता दूं कि ऋतिक रोशन जो कि इस मूवी को पूरा अकेला खाएगा बंदा, और पब्लिक थिएटर में भरने के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। और ये जो जिस लेवल का मूवी बनाया ना उन्होंने, भले ही वो जो विक्रम वेदा था तमिल का, मानता हूँ कि वहाँ पे आर माधवन, विजय सेतुपति सर, ये सब सारे काम अच्छे किए थे, लेकिन यहाँ पे ऋतिक रोशन का काम देखो क्या जबरदस्त दिख रहा है, क्या एक्शन डाला मूवी के अंदर। सैफ अली खान भी यार शूट कर रहे हैं उस रोल में। तो दोस्तों 30 सितंबर को ये मूवी रिलीज हो रही है, और आपको बता दूं कि बॉलीवुड इज बैक कल रिलीज हो रही है ब्रह्मास्त्र, वो अलग लेवल का एडवांस बुकिंग हुई है। और आपको बता दूं कि बॉलीवुड अब रुकेगा नहीं, बॉलीवुड को एक अच्छी कंटेंट की ज़रूरत थी, मानता हूँ कि रीमेक कंटेंट है, लेकिन एक अच्छी ऑडियंस को खींचने वाली मूवी चाहिए, जो कि ये बहुत है दोस्तों। ब्रह्मास्त्र खींच ही लिया है, और विक्रम वेदा बचा कुचा वो खींच लेगी अपनी तरफ। तो दोस्तों मिला जुला के ट्रेलर पूरी की पूरी धमाल है, कोई दोहराई नहीं, इस ट्रेलर को अगर कोई नेगेटिव बोलेगा तो मैं उसको यार चमाट मारूँ, अगर मेरा बस चले तो। नेगेटिव बोल ही नहीं सकते हैं, कोई एंगल से नेगेटिव नहीं बोल सकते इस ट्रेलर को, पूरा पॉजिटिव ट्रेलर है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को विक्रम वेदा का ट्रेलर, एंड सैफ अली खान और सैफ अली ये ऋतिक रोशन आपको कैसे लगे, उनका काम कैसा लगा ट्रेलर में, आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर रेटिंग की बात करें तो यार इस ट्रेलर को क्या रेटिंग दूं भाई, इतनी अच्छी ट्रेलर कट किया, इसके लिए तो 5 out of 5 बनता ही है यार, पूरा स्टार ले लो 5 में से 5। तो बस भाई इतनी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।